फुद्दू कैपिटल दिल्ली, क्राइम एंड वाटर कैपिटल, ठुसू केजरीवाल। मैं कहा इस सब में सिर्फ एक बार ठीक है। एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करनी है आज। पानी पता है? पानी पानी वाटर गीला गीला होता है, वेट वेट। अरे जो जिस चीज से रिलेट कर पाए। मेरी बंदी कर ही नहीं पाती थी। अब छोड़ो, हराम जा छोड़ो। अरे ओ राजस्थान से ज्यादा छोड़ो। अरे मुद्दे पे आते वरना मैं भटक जाऊंगा। पागल की बच्ची साली, छोड़ो। वाटर वाटर पे मैं, आपको पता है जिस धरती पे हम रहते हैं मदर अर्थ, हाँ, ये 71% पानी से घिरी हुई है। 71% और इस 71 में से 68% पानी खारा है। खारा मतलब, खारा मतलब आपकी बुआ चाची के बच्चे, यूजलेस बैच। हाँ हाँ, कल जाते आज जाए, परवा कोई नहीं। बाकी 3% पानी फ्रेश वाटर, मीठे मीठे मामा मासी के बच्चे, अपने अपने लोग। हाँ, कोई रह गया? मामा मासी बुआ चाची, ताए के बच्चे, नाले का पानी। वो भी नाले का वो पानी जो नाला बैक मारता है। बहुत गंदे लोग हो तुम। बट खैर, मैं कहाँ अपनी फैमिली की बात लेके बैठ गया। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है, ये जो 3% पानी है ना, ये फ्रेश वाटर रिसोर्स, ये 805 करोड़ लोगों के लिए है। इस टाइम वर्ल्ड पॉपुलेशन 805 करोड़, हमारे बात करते करते 805.1 हो गई। हाँ, लोग कर रहे हैं। नहीं, अभी हम नहीं कर पा रहे, कर तो नहीं रहे ना। लोग कर रहे हैं, बहुत तेज लगे हुए लोग। आप में से भी कुछ होंगे जो घर जाके जो कर पाए। भाई सर देखो, मैं सबके लिए अच्छा क्यों सोचूं? तो 805 करोड़ लोगों में बस 3% पानी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब एज एन ऊंट सरवाइव कर पाएंगे हम लोग। आता है आप में से बाय एनी चांस किसी को गर्दन में पानी रोक के ऊपर लेना? नहीं तो मोटर लगवा लो राजे मेरा। आप नहीं कर पा रहे, मशीन से रिप्लेस करो मोटर। आपने देखा मोटर चलाने का ऑब्सेशन कितना हमारे देश में? रैंडम पागल हुए मोटर को लेके बैठ जाओ, है मोटर चला दी, मोटर चला दी, मोटर चला दिया। मोटर चलाई नहीं, मोटर चलती रह गई। मोटर चोरी हो गई हमारे। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, चार फ्लोर है उसमें, एक बार हमारी मोटर खराब हो गई। हमें आइडिया तक नहीं हमारी मोटर कौन सी है। मोटर है ना पैचो, रोज थोड़ी देख रहे हैं हम। हमारे पिताश्री इतने जुजारू, जाके चारों मोटर ठीक करवा दी। तीन तो ठीक थी उसमें से, एक मकान बंद पड़ा था उसका पानी आने लग गया। मैं ये मकान बड़ा बैठा है। आप यकीन माने, हमारे पापा दिन भर में इतना मोटर, इतना उंगल देते हैं उस स्विच में कि वो जो लड़की अनाउंसमेंट नहीं करती पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर, उसका गला बैठ गया है। उसको रोज विक्स देने की, राजे आपने मेहनत करनी है, आप गिव अप मत करो यार। अलग सीन चल रहा है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, आपको थोड़ा बहुत अभी ऐसे जेनरिक सा आइडिया है, इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो पानी में रिच है, लाइक अबंडेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज दे हैव, लेकिन वो साले दूसरे स्टेट्स को पानी नहीं दे रहे। बहुत लड़ाइयां चल रही हैं इस पे, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा शुरू से देखो ये मानना है, अगर आप प्रिविलेज्ड हो, आपको परमात्मा ने कोई चीज ज्यादा दे रखी है, तो दूसरों के साथ बांटो साले, तभी दुनिया आगे चलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त है राशिद, उसकी 3 बीवियां, मेरी 1 भी नहीं है।
आप सब गलत समझ रहे हैं आप, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, फोकस मुद्दे पे ही करना है। अगर राशिद पे कर रहे हो तो दूसरे नंबर वाली में है। कितना ही छुपा लेंगे यार हम। जैसे जैसे पंजाब एज अ स्टेट के पास बहुत पानी है, वो राजस्थान वालों को पानी नहीं दे रहे, हरियाणा वालों के पास बहुत पानी, वो दिल्ली वालों को पानी नहीं दे रहे, कर्नाटका के पास बहुत पानी, वो तमिलनाडु को पानी नहीं दे रहे, और पहचो गुजरात वाले तो किसी को कुछ नहीं दे रहे। हाँ हाँ, मेरी बनती थी गुजरात से, कुछ नहीं दिया मैंने, दोनों हाथों से मांगा, कह रही नो। मैंने उस दिन एक चीज नोटिस कर ली, गुजराती दो ही चीज दे रहे, या तो धोखा या ढोकला, कुछ डोमेस्टिक लेवल पे, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे। सटल पॉलिटिकल जोक्स करने हैं, उससे क्या है, डेथ नहीं होती। उन्हें पता ही लगता, कह रहा नहीं हमारे बारे में नहीं कह रहा है, आ रहा था बट मुड़ गया, कहते कहते है सीन यार, है सीन। और अभी अगर आपने मतलब इस साल जैसे अगर आपने देखा हो, बहुत रैंडम बारिशें हुई हैं, तो इन इन स्टेट्स में बारिशें हुई हैं, इनकी तरफ पानी बढ़ा है, सालों ने भर करके पानी छोड़ दिया, भैंचो हम डूब गए। हम कैसे डूबे, हमारे पास तो पानी नहीं था। जमुना पार के बच्चे बहते हुए निकले हैं, आप यकीन मारे लोग सेक्स करते करते बह गए, उनको आइडिया ही नहीं, वो अवसर में लगे हुए थे, एकदम से आपदा आई है। बट और अगर आप लोग इंटरनेट पे थोड़ा बहुत भी एक्टिव हैं, आप देखें दिल्ली में कुछ ऊंच नीच हो, जरा सा कुछ ऊट पटांग होता है, एक शहर है इस पूरे देश में जो सबसे पहले हमारी बेइज्जती करने इंटरनेट पे आता है। एनी गेसेस विच सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट? मुंबई। गुड़गांव की तो बहन उनका बनता है बैंच उनसे, मुंबई। मुंबई एज अ सिटी आप कभी देख लेते हैं, फुद्दू कैपिटल दिल्ली, क्राइम एंड वाटर कैपिटल, ठुसू केजरीवाल, मैं कहा इस समय सिर्फ एक बार ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा कौन सी। मुंबई वालों का किस हिसाब से हमें टोकना बनता है, मतलब मेरे हिसाब से मुंबई एज अ सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीक्रेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है, उनको बताया नहीं किसी ने, वो कह रहे बारिश हो रही, कह रहे हाँ, कह रहे पानी भर लो, कह रहे कहाँ भरे, टंकी में, झील में, रिजर्वायर, कह रहे नहीं सड़कों पे, कह रहे इससे क्या होगा, कह रहे होगा कुछ नहीं, समुद्र को चढ़ाएंगे, तेरे पे पानी, हमारे पास पानी ले। साइंस की किताबों में आपने देखा होगा कितनी ज्ञान की बातें लिखी होती थी कि एसी वगैरह कम चलाने चाहिए, ये फ्रिज वगैरह कम चलाने चाहिए, इससे वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, ग्लेशियर पिघल रहे, मोटे बह जाएंगे बहच सारे। मैं कहा किताब में भैंचू क्यों लिखा हुआ है? तो मेरी टीचर कह रही ओ आइंस्टाइन के भुजे बल्ब, वो बीसी है। मैं कहा तेरे भाई का टेस्ट ट्यूब तोड़ू। ऐसे तो मेरा दोस्त अर्पण भी एमसी है। कोई बात में बात, तो कह रही तारीख है मोटे वो। मैं से बात करें आप यार, आप देखिए लोग अपनी तरफ से कितना सेल्फ अवेयर हो गए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि खुद अपने हाथ में जिम्मेदारी लेना चालू कर दिए कि नहीं भाई पानी बचाना है ताकि आगे आने वाली जनरेशन नीट ना पिए। अरे और भी काम है पानी बचाने के लिए। आप देखिए लोग खुद से कि आप ब्रश कर रहे हैं तो ऐसे नलका बंद कर देते कि खाम का पानी ना बहता रहे। कुछ होटल्स भी हैं जिन्होंने ये वो नया सिस्टम चालू कर दिया है कि अब हम फ्लश में वेस्ट या रिसाइकल्ड वाटर यूज करेंगे। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन बताओ तो हमें, तो बताओ इस बारे में, क्योंकि देखो यूजली क्या होता है, जब आप अपना काम वाम निपटा के फ्लश करके निकल जाते हो तो आप ये थोड़ी देखते हो कि कोई कीर्तिमान स्थापित किया आज ने, नहीं तो मैं भी निकल गया, लेकिन जब मैं वापस आया मैंने पानी देखा, मैं कहा सल्फ्यूरिक एसिड ढक दिया क्या, मैं हेल्थ
के लिए कंसर्न हो गया कि ये काला पानी की सजा बन गई है। फिर वो होटल वाले कह रहे हैं ऐसा सीन, और मैं आपको बताता हूँ मैंने अपनी तरफ से क्या कोशिश करी है पानी बचाने के लिए। मैं अब लोगों को नहाते हुए देखा। ए गलत नहीं सोचना, कारण है इसके पीछे, लोग नहाते हुए बहुत पानी बर्बाद करते हैं। तो मैं ध्यान से देख रहा हूं कि अगर फालतू ले रहे मैं वहीं टोक दे रहा हूं, लेकिन इसमें कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा। 23 FIR हो चुकी है मेरी। कोई तरीका है बैच? अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था किसी को नहाते हुए, उसने पुलिस बुला ली। मैंने खड़े पैर पुलिस को समझाया मैं कर क्या रहा हूं, पुलिस वाले और मैं अब मिल के देख रहे नहाते हुए। उनका फोन दोबारा आया, इसी को बजाए, कह रहा भाई नहीं, कह रहे आ गए नहो नहो, इधर पीठ पे साबुन है देखो। है यार सीन, पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं। मैं आपको अगर आप ये इस साल इतनी बारिशें हुई, इतनी रैंडम बारिश, और देखो मैं आपको बताऊं, मैं मुझे बीचेस वगैरह ये पानी वाली जगह जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दिल्ली में पानी है कोई नहीं। तो मैं जब भी मुंबई हो गया या ये कर्नाटका का कोस्टल रीजन जब भी जाने का मौका लगता है, मैं दो दो घंटे पानी देख के पागल रहता हूँ, पानी पानी। मेरा एक दोस्त आया हुआ था चेन्नई से दिल्ली घूमने, कह रहा यार तुम तो कह रहे थे तुम्हारे इधर पानी नहीं है। मैं कहा नहीं है, कह रहा झूठ, इतना बड़ा नाला। मैं कहा यमुना है वो, वो तो हमने मेंटेन ऐसे करी हुई है। आप देखें नॉर्थ में अभी इतनी बारिशें हुई, जो पहाड़ों में कितना तबाही वबाही भी हुई उस चक्कर में, और नीचे बह बह के अलग अलग चीजें आई हैं, पेड़ बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं। मोहाली में मगरमच्छ निकला है बहज, उस पर भी लोग सरकार को ही टोक रहे हैं कि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है देश में, कोई बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे, कोई हराम ज्यादा मगरमच्छ के बारे में नहीं सोच रहा। ग्रीडी मगरमच्छ आलस से भरा हुआ जीव होता है, दिन भर बैठा रहता है आराम से, पानी आया भैंचो वो बह गया, और कह रहा मोहाली आ गया है। उनने दो तीन सरदार देखे, कह रहे भाई की हाल है, आई गए माइट एज वेल बिलोंग टू द प्लेस। मोहाली के लोग भी बहुत कंफर्टेबल हो गए, उन्होंने नाम रख दिया उसका, कह रहे मीट एलिगेटर प्रीत कौर। मैं कहा गुत भी बना दो फिर उसकी। और वो मैं आपको बता रहा हूँ मगरमच्छ इतने ऑपरचुनिस्ट होते हैं, वो वहां पहुंचे हैं मोहाली, बहुत होते हैं ऑपरचुनिस्ट, जैसे आप थी पहुंच चलाने के मामले में प्रीत कौर। तो मगरमच्छ वो पहुंचे हैं मोहाली, वो लकोस्टे के शोरूम में घुस गया। लकोस्टे में जब शॉपिंग करते हुए लोगों ने लकोस्टे का लोगो लाइव देखा है, तो उनकी फटी, कह रहे ब्रांडिंग सीरियसली ले ली है। और वो आया है, वो लेके गया है लॉन्डो के पास जो दो दो होते हैं। हाथ राजे हाथ हाथ। हाँ जी भाई, वीडियो देख ली, कैसी लगी आपने कमेंट्स में तो जरूर जरूर बताना है। और मेरे को लगता है कि कुछ लोगों के मन में आया होगा कि यार एकदम से ये आदमी सीधा बक्सुंडा से ये पानी पानी की बातें क्यों करने लग गया। यार देखो, आप लोगों और हमारे पास तो टाइम है नहीं कि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या होना है, या चलती वाली जनरेशन के लिए क्या होना है, पानी की जरूरत है नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोच पाए। बट कुछ लोग हैं जैसे WHO और वीवा कोनगवा, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये NGOs जो इसके लिए काम कर रहे हैं कि सबको पानी मिल पाए, वाटर फॉर ऑयल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा प्रोवाइड हो पाए, हाइजीनिक चीज़ें और वाटर ये लोगों के लिए अवेलेबल हो पाए, सैनिटेशन है, वुमन एम्पावरमेंट है, कितने सारे सीरियस इश्यूज हैं जिसके लिए इन लोगों ने वक्त निकाला है। तो अगर आप लोग भी इनके साथ जुड़ना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बिल्कुल जुड़े, आप जुड़े, मैं जुड़ चुका हूं, हम जुड़ के ऐसा जुड़ेंगे दोस्तों एक दिन कि जुट जाएंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।